लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सॉरी सर, सेकंड फेज खत्म हो गया सर, थर्ड फेज बाकी है सर। क्या है ये सब, हर रोज यही बोलते हो, पिछले हफ्ते भी यही कहा था। सर एक हफ्ते का और टाइम दीजिए, पूरा कंप्लीट कर दूंगा सर। ठीक है, जाके अपना काम कीजिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ बोल महेश भाई। 2.5 एकड़ में एक पुराना स्कूल है, आपने प्लान करके अगर रिसोर्ट बनाया तो मस्त चलेगा सर। लेकिन भाई क्या हुआ, उस जगह में एक और पार्टी इंटरेस्ट ले रही है। कौन है वो? XML संतोष नाथ, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है भाई। ठीक है, तू एक काम कर, उस जगह की सारी डिटेल्स मेल कर दे। ठीक है? ठीक है भाई, भेज देता हूँ। और सुन, उस आदमी पर अपनी नजर रखना। ठीक है? ठीक है, देख लूंगा मैं। ओके। शंभो, शंभो। क्या रे, कैसा है? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बहुत ढूंढने के बाद मिले हैं भाई। सब ओके है ना? स्वामी जी बताएंगे ना, ठीक रहेगा ना स्वामी जी? संतोष नाथ, मेरा 8वां दिमाग जो पता लगा रहा है, उसके हिसाब से यहाँ कोई भी अमानवीय शक्ति अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही है। मतलब प्रोजेक्ट टाइम से खत्म हो जाएगा? खत्म, खत्म कर देंगे। ए, चाओ अब शुरू हो जाओ। ठीक है भाई।
स्वामी। ये नींबू लेकर जा, पूरब की तरह खड़े होकर 6x6 का गड्ढा खोदना और इसको उसमें ऐसे दफनाना कि किसी को पता ना चले। स्वामी जी, इस नींबू के लिए 6 फीट का गड्ढा? संतोष नाथ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा 8वां दिमाग बोल रहा है। आठवें दिमाग की बात तुझे कैसे पता चलेगी? एक शब्द आगे मत बोलना। ठीक है स्वामी जी। हे, जल्दी करो जल्दी करो, अब चलिए स्वामी जी। आइए स्वामी जी, अगले साइड पे चलो। गौतम, 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 कहाँ हो? ए गौतम, कहाँ है तू? गौतम, ए गौतम, ए गौतम, क्या हुआ? गौतम, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ? तू यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ, ए, अरे बोलना, क्या हुआ? हाँ, भूत देखा। भूत देखा? भूत कहाँ है? कहाँ है? उधर, उधर देखा। भाई 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 भाई, वो रहा, इसे ही देखा था, इसे ही देखा था मैंने, उसे वो पार्किंग में मुझे दिख रहा ना, उसे ही देखा था मैंने, सच कह रहा हूँ। आप सबकी बातों पर मैंने यकीन नहीं किया, सोचा सब नासमझी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जब देखा तो लगा कि सोसाइटी वालों के लिए कुछ करना होगा। क्यों, क्या कहते हो कुमार, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, मेरे एक फ्रेंड के फ्लैट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उन लोगों ने भूत भगाने वाले को बुलाया था, उसके बाद वो भूत भाग गया था, फिर उनको कोई परेशानी नहीं हुई। अपना तो धंधा ही है, हमने बहुत भूतों को भगाया, आप बताइए आप लोगों ने जिसे देखा वो आपके अपार्टमेंट में रहता है या किसी? सर, हमारे अपार्टमेंट में रहने वाला भूत किसी के शरीर में बस गया है और वो भूत सबको बुरी तरह से डराता है और मैं उस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूँ, मुझसे बहुत लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट की। इस भूत की हरकतों के बारे में कुछ बताइए। सर, पहले किसी ने भूत के बारे में कंप्लेंट की तो मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन एक फैमिली बिना कोई कारण बताए मेरे फ्लैट को खाली करके चले गई, तब शक हुआ। हो सकता है उनका जाना एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? नहीं सर, हम एक आईटी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आए थे, यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही मेरे छोटे भाई को कुछ होने लगा, वो बहुत शांत रहने लगा और उसके बाद एक दिन अचानक गायब हो गया। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा और एक दिन वो हमें पार्किंग में मिला, तभी वो बोल रहा था कि उसने भूत देखा। तो ये है आप लोगों की प्रॉब्लम? हाँ सर, जो कुछ भी हुआ आपको बता दिया है सर, अब आपको ही कुछ करना होगा। आपने एक चीज नहीं बताई। नहीं सर, मैंने तो सब कुछ बता दिया। अच्छे से सोच कर देखिए, एक चीज नहीं बताई। नहीं सर, मैंने तो सब कुछ बता दिया। नहीं सर, सब कुछ तो आपको बता दिया। सब कुछ बता दिया? नो। June 24, 2013, गीता फर्नांडिस, एक एयर होस्टेस, फेल्ड लव पर सक्सेसफुल सुसाइड किया था उसने, टू बी प्रिसाइज अर्ली मॉर्निंग 1:58 पर, एम आई राइट? Am I right or wrong? सही कह रहे हैं सर। तो फिर छुपाया क्यों? हमें लगा कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। उस गीता की आत्मा ही आपके फ्लैट में घूम घूम कर आ रही। She is a virgin ghost. कुंवारी लड़कियों की आत्मा को काबू में करना उतनी आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। सर,
प्लीज कुछ हल निकालिए सर। सर कुछ तो करना ही होगा ना सर। सर जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ सर, पैसे चाहे जितने भी खर्च हो पर भूत को भगा दीजिए सर। सतीश सर, सर 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 क्या हुआ सर, ये नाराज होकर क्यों चले गए? पैसा जरूरी नहीं है, हमारे काम करने का तरीका ही अलग है। अगले फ्राइडे को आप लोगों से मिलेंगे। क्या हुआ पता ही नहीं चला। तेरी याद आती है मेरी जान। ए हेलो हेलो हेलो, तेरा चेहरा, अरे रे रे रे, तेरा फिगर, वाह 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 वाह। ए छोटे, अनिरुद्ध से बात करके तुझे अच्छा चांस दिलवाता हूँ, तब तक तू चुप बैठ। ओके क्या हुआ, काफी देर हो गई है। अभी आ जाएंगे सर, मैंने कॉल कर दिया है। थी उसके हिसाब से सब रेडी है सर। आपके अपार्टमेंट में अगर कोई कुंवारा है उसे हमारे साथ आना होगा। ए कुंवारा लड़का? मैं नहीं हूं सर, मैं नहीं हूं, प्लीज मैं नहीं हूं। चल चल चल, नहीं हूँ मैं कुंवारा नहीं हूँ। नाटक मत कर, चलना। सर सर मैं कुंवारा नहीं हूँ, छोड़ दीजिए। अरे ओम लिखी हुई तस्वीर रखते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इतना बवाल किसने कर रहे हैं? मैं अब जवान नहीं हूँ भाई, और ना ही अब कुंवारा हूँ। मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, फिर भी आप लोग मुझे ही लेकर के क्यों जा रहे हैं भाई? मैं, हे भगवान, क्या करूँ मैं तो समझ। हे भगवान, डर लग रहा मुझे तो। मैंने बोला ना यहाँ पर भूत है, यकीन नहीं हो रहा? लो ये सुनो। ये मेरे हाथ में क्यों दे रहे हैं? ये घोष डिटेक्टर है, पकड़ो। लेकिन इसका मैं क्या करूँगा? जाओ, बचाओ। ये ले। लाइट को ठीक से देखो, देखो क्या क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? हे भगवान, लाइट को क्या हो गया? हे भगवान, रक्षा करो। ये क्या है? क्या हुआ? मैंने बोला था ना कि अब मेरी बात लेकिन हुआ।
अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? अरे योगी तू बता, क्या हुआ? क्या हुआ? बिल्कुल हुआ क्या? सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, उससे कोई बात मत करना। कहाँ गया? मैंने बोला चुप रहो, बात करना। सर आप आइए, आप आइए। से बचाइए। बस में आ जाओ, चल बस में आओ। सतीश, ये क्या है सर? अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा सर, मुझे डर लग रहा है। ना अंदर जाओ। सती जल्दी लेके आओ। बात करने के लिए टाइम नहीं, अंदर जाओ। जाओ ना, जल्दी जाओ। आइए, चलो चलिए जाओ, चलो। चलो चलो डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस बुरी आत्मा को यहां से भगा दिया गया है। अब सब लोग सुकून से रह सकते हैं। लाओ वो बैग दो जरा। ये लीजिए सर आपका पेमेंट। मैं आप सब लोगों के लिए एक प्रार्थना करने वाला हूं, इसलिए आप सब लोग घुटनों के बल बैठ जाइए। उठो, चलो चलते हैं। मैं हूँ। तेरा गेटअप तो सॉलिड है यार। तुमने तो किया था। अब तो अवार्ड कंफर्म है। चलो चलते चलो। चल चल जल्दी निकाल ऑटो यहाँ से। ये वेटिंग में। मैं तुझे लेके आता, वेटिंग मेरे लिए कर रहा तू। ये ले लगा ले। क्या दे रहा है ये? पीने के बाद क्या हो गया तुझे? गाड़ी निकाल ना। कहाँ पे जा रहा है तू? भूल गया क्या? अच्छा, नहीं, रिकॉर्डिंग थिएटर में चलना है। मैं धरा था तू बेवड़े को लेकर के आया। चल जल्दी जल्दी। मुझे तो लगता है वो लड़का फ्रॉड निकला, फोन ही नहीं उठा रहा है। वो लोग फोन नहीं उठा रहे? कहीं गायब तो नहीं हो गए? मुझे तो वही लगता है। पर ऐसा क्यों करेंगे वो? हा? मतलब तूने इतना सारा जो मेकअप किया वो सब वेस्ट चला गया? ये देख, तेरे मेकअप के लिए मैंने कितना ढेर सारा खर्चा किया था, वो सब क्या जेब से भरना पड़ेगा? ओहो, तुम बिना बकवास करते रहते हो। अरे अब तू यहाँ गाड़ी क्यों रोक रहा है? मैं क्या रोक रहा हूँ, यही लोग रोक रहे हैं। अरे पुलिस पुलिस। नमस्ते साहब। ऑटो में कौन है? अर्जेंट सवारी साहब, कुछ टेंशन में लग रहे हैं, जल्दी छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा साहब। पिछड़ ए, चलो नीचे उतरो। अरे क्या करें, हाउ डू यू डू सर? कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध के घर पे जा रहे हैं सर। क्या बोला?
रिकॉर्डिंग के लिए। अरे तू हटना सर, वो क्या ना कि हम लोग। तेरा नाम क्या है? जनार्दन शर्मा सर। चाचा जनार्दन शर्मा सर। बाहर आइए सर। वो बाहर क्यों आएगी? वो बाहर नहीं आने वाली। मुमताज तुम अंदर ही बैठी रहना। रीजन क्या है सर, बताइए ना रीजन क्या है? मुझे मुमताज का चेहरा देखना है। जल्दी से बाहर आइए। सर मैं कह रहा हूँ मान जाइए सर। चुप सर, फिर मत कहना कि बोला नहीं। बाहर आइए सर, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आप इसका चेहरा मत देखिए सर। मैं आपको कह रहा हूँ सर, मेरी बात मान जाइए। अभी भी वक्त है। चेहरा दिखाओ। दिखाओ ना मुझे। चुप, बहुत बोल रहा है। चेहरा दिखाओ। मैं जरा पीछे हट जाता हूँ। दिखाओ चेहरा जल्दी। अरे जल्दी करो। अरे कहाँ भागेगा? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे भाई रुकना। क्या हुआ भैया? कुल्फी पैसा कितने का है? 10 रुपए। तुम लोग अभी मेरे पीछे पड़े हुए हो। ये सुन ना, अगली गली में आ जा। हाँ ठीक है भैया, जल्दी आ। अरे यार कहाँ फंस गया? मची से गया। ये देख पता नहीं क्यों मुझे फोन कर रही है। प्रिया पेमेंट मांगेगी, फोन करके देख। अभी नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? अरे मैं कुछ नहीं उठा रही। क्यों भाई? चाय पिलाओ यार। अरे मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं जरा अर्जेंट काम निपटा रहा हूँ। आप ऐसे में नहीं पकड़ सकते मुझे, मानो मेरी बात। अरे पेशाब तो करने दे। अरे ये सब कुछ कराऊंगा, एक बार पकड़ में तो आ जा। अरे रुक, भाग रहा है, भाग रहा है। फोन ही नहीं उठा रही है। इसे ट्राई करना, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तो ये यहाँ है। नहीं उठाई। एए! अरे वो बैग लेके भाग गई। अरे सब चाय के पैसे दो ना। अरे बाद में दे दूंगा यार। ए प्रिया, ए रुक, प्रिया रुक, जाओ से, पूरा कहीं के। अबे इसको तो पत्थर से मारूंगा। ए मेरा पीछा मत करो, जाओ। प्रिया रुक जाओ। अरे क्या कर रही है? जाओ से, रुक जा, प्रिया रुक। ढीला हो लेता हूँ मैं। अरे हाँ, तू इस तरफ क्यों भाग के आ रही है? अरे ये दोनों भी आ गए। रुको रुको रुको, एक मिनट। ए रुको ना। अरे यार रुको, क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे ये क्या है? क्लास में पढ़ रहा है? हैं? 11th में। अबे तो ऐसे गुस्से में क्यों बोल रहा है बे? ए मैं कब तक था? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या कर दिया? कितने दिनों तक जूनियर आर्टिस्ट बनूंगी, भूत बनके नाटक करूंगी, तुमने कहा था पैसा दोगे। बात तो सुन। उन लोगों का क्या? पैसा चोरी करके भाग गए। पैसे लेके तू भाग रही थी,
हम लोग तो सिर्फ तुम्हारा पीछा कर रहे थे। रुको, आप लोगों ने बोला था ना कि काम खत्म होते फोन करेंगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। और जब हम लोगों ने फोन किया तो आप लोगों ने उठाया नहीं, इसीलिए बेबी को थोड़ा शक हो गया। और क्या, क्यों सही कह रहा हूँ बेबी? उसे शक हो गया था या तेरे मन में पाप समा गया था? क्या कैसी बात कर रहा? क्या प्लान था तुम लोगों का? हम लोग इतना रिस्क उठा के वहाँ से बाहर निकले और सोच रहे हो कि फोन उठा के तुमसे फोन पे बात करेंगे क्या? अभी तक हम लोग पुलिस के फंदे में नहीं फंसे, लेकिन तुम लोगों की वजह से जरूर फंसेंगे। थोड़ा रुक जाती तो क्या होता? ए सुन, मुझे ये सब नहीं पता, मेरा हिस्सा दे, मैं जाती हूँ। अभी नहीं दे सकते, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। मुझे ये सब नहीं सुना, समझा ना? ए ये पकड़। ए ये क्या है? छोड़ना। ए ये तूने फटाफट उसे पैसे क्यों दे दिए? हमने कितने रिस्क उठाए पता है? हमारा हिस्सा नहीं बनता क्या? ए हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, पैसों के लिए फ्रॉड गिरी करके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये बेचारा पढ़ रहा है तो इसे तो कम से कम ठीक से पढ़ने दे। ए तू अपनी पढ़ाई जारी रख। ए क्या है ये सब? काम फ्रॉड का करता है और बातें जेंटलमैन की तरह? हाँ। देखो भाई, ये सब फ्लाइट वालेट का खर्चा पैसे के लिए किया है। जब तक दूसरे डर रहे हैं तब तक हम क्यों डरेंगे? हमने कहां से शुरुआत की थी पता है ना तुझे? मेरे प्यारे मित्रों, जो लोग भी अपना कीमती समय निकाल के इस पवित्र सभा में उपस्थित हुए हैं, उन सब पे प्रभु की असीम कृपा होगी। अब सब लोगों का भला हो ऐसा हम सब लोग मिलके यीशु से प्रार्थना करेंगे। आपके सामने उपस्थित है एक छोटा सा बच्चा। आप सभी लोग जानते हैं कि यह बच्चा सुन नहीं सकता और हमने इसीलिए प्रार्थना की थी। देखा ना? आप सबने देखा ना? ऊपर वाले को थैंक। अब आप समझ गए होंगे, एक छोटा सा बच्चा जो सुन नहीं सकता था, प्रभु की कृपा से अब वो पूरी तरह से ठीक है। ऊपर वाले को थैंक। अब तुम अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ बेटा। आप लोगों को ये जान के खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हम सबके बीच हमारी भलाई के लिए, हमारी आजादी के लिए और हमारे अधिकारों के लिए, हम सबके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ से मीलों दूर लंदन से चलकर रास्ते में आने वाले कई सारे समुद्रों को पार करके आने वाले प्रभु यीशु की असीम कृपा प्राप्त करके सशरीर हम सबके बीच उपस्थित है। आइए हम सब मिलके यीशु के उस प्यारे पुत्र का तालियों के साथ स्वागत करते हैं अतिशय राज जी का। यहाँ पर आए हमारे हमारे भाई बहन और सारे दोस्त, जनता, मेरे सभी लोगों को ईश्वर की कृपा से आपके सामने खड़े होकर तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऊपर वाले की जय। ऊपर वाले की जय। अपने ब्रदर चार्लेस पर लोग बोल रहे हैं। मैं लंदन से आ गया, मैं लंदन से नहीं आया हूँ, मैं लंदन से आया ही नहीं हूँ, ढकेल रहे हैं ईश्वर अपने आदेश से मुझे ढकेल रहे हैं। ऊपर वाले की जय। ऊपर वाले की जय। जा जा जनता, तेरी जनता शैतान की पकड़ में तहस नहस हो रही है, उन्हें आजाद कर, शक्तियों को उनके अंदर भर, अभिषेक से भर के शैतान को बाहर निकाल, यही उनका आदेश था, इसी आदेश को मैं पूरा करूंगा और सिर्फ इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ। ब्रदर यहाँ आना। ब्रदर ये शीट बताना, ये कोई खाली शीट नहीं है, गॉड सर्टिफिकेट। इस जगह पर होने वाला जो भी अजूबा है और जो भी ग्लोरी होगी उसको इसमें उतारने वाला हूँ मैं। अब बस आप सरप्राइज देखते जाइए। ब्रदर यहाँ पे आना। हाँ? इसे पकड़िए। अरे पकड़िए ना। फायर 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 रिसीव 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 फायर 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 रिसीव रिसीव फायर 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 रिसीव 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 फायर फायर रिसीव फायर फायर रिसीव फायर फायर रिसीव। शैतान यहाँ पर नहीं है, शैतान यहाँ पर नहीं है, शैतान चला गया, शैतान चला गया, यहाँ पर ज्योति भर गई है, कम ऑन विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। शैतान यहाँ पर नहीं है, शैतान यहाँ पर नहीं है, शैतान चला गया है, कोई शैतान नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ज्योति भर गई है यहाँ, कम ऑन विक्ट्री 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 विक्ट्री, कम ऑन जो भी हो लूट ले। वहाँ से आवाज आ रही है। पुलिस वाले आए हैं। कितना
खाता बटन चाहिए। वो नहीं यार, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए थे ना, वही वेरिफिकेशन के लिए आए। लेकिन हमें पुलिस पकड़ने आई है। जो भी हो लूट ले, आजा चल करे, जेब अपनी भरे, सबको चूना लगा। कहाँ आए देख ले। इसके बाद हम नहीं दौड़ेंगे, दूसरों को दौड़ाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि लोग हमसे डरने चाहिए। दूसरों को डराने के लिए कोई आइडिया सोचना होगा ना। तो गुंडागिरी करें? गुंडागिरी नहीं चलेगी, कब कौन टपका देगा पता नहीं चलेगा, शांति से नहीं रह सकते। हाँ, अरे हम लोगों को उससे भी ज्यादा डराएंगे। उससे ज्यादा डराना होगा ना तो मुझे भूत बनकर आना पड़ेगा, तभी सब लोग डरेंगे। क्या बोला? मुझे मरकर भूत बनकर आना पड़ेगा। क्या बोलते हो? भूत बनना पड़ेगा। भूत भूत का मैटर तो ठीक है, लेकिन सबको डराएंगे कैसे? हाँ, डराएंगे कैसे यार। 24 जून 2013, गीता फर्नांडिस, एक एयर हॉस्टेस, प्यार के चक्कर में सुसाइड कर लिया था। इसका एड्रेस है अनूप अपार्टमेंट्स, मोगा पेर। अपना फर्स्ट टारगेट वही है। तो फिर अब हमें चाहिए एक लड़की, एक मेकअप मैन। ये लो पकड़ो। सर, चार दिन से डबल शिफ्ट कॉल कर रहा हूँ सर, नाइट एंड डे। ए, अपना आदमी ना तू, कल देख लेंगे। जा, कल भी यही बोला था सर आपने। अरे दो फिल्में बन रही हैं, तुझे काम करना है कि नहीं? दिन आगे किए काम के पैसे नहीं। क्या कहा? नहीं सर, वो पूछा था कि कल डबल कॉल शिफ्ट है या सिंगल कॉल शिफ्ट है। ऑल कॉल शिफ्ट। पैसे भी बात लगा के मानेगा। ये पैसे मांगो तो कैसे नखरे दिखा। हाँ भैया, भाई मेरा भी पैसे इसी तरह। उस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुझे कैसे देगा यार? सॉरी भाई, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, बाद में देखना, हॉलीवुड चला जाऊंगा मैं। भाई स्नैक्स लोगे? देखा तूने कैसे हम लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। ला दे भाई। ला ला, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ये प्रोडक्शन वाले क्या एक एक चिप्स ही देते हैं क्या? मैं पूरी की पूरी प्लेट लेके जा रहा हूँ। अरे मेरा भी ले लिया, तो खाऊंगा नहीं क्या? ये है चिल्लप्पा। हे जनार्दन शर्मा। हाँ यही नाम है। ये हमारे मेकअप मैन है, अपने मैटर के बारे में बता दिया, पक्का काम करके देंगे। मेकअप मैन तो मिल गया, थैंक्स। लेकिन लड़की का मैटर का क्या? ये भी कोई मैटर है क्या? गरम गरम चाय और दो ब्रेड ऑमलेट बोलो। दो लेकर आना, अपने को एक लड़की चाहिए आज रात को। मेरे पहचान की एक लड़की है, सुन ले। सुपर एक्टिंग करती है, उसे 1000 रुपए दे के देगा तो 10,000 की एक्टिंग कर देगी। समझा क्या है? टैलेंटेड है वो। ऐसी बात है, लड़की का भूत का बहुत सॉलिड मेकअप करूंगा। भूत का भेस? हाँ, भूत का भेस। मेकअप दादा, अपने भाई को फिर से स्कूल में भेजने के लिए मैं ये कर सकती हूँ। ओके। लेकिन अगर मैं भूत बन के सबको डराऊंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिया, अगर कुछ होगा तो वहाँ से हम बाहर निकलेंगे ना। सिंपल। आज परफॉर्मेंस कम पड़ेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, देख ले। बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। ये पकड़ो। रावण जैसा क्यों हंस रहा है रे? बात ये है कि यार, इस गांव में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब भूत के नाम से ही कांपने लगते हैं। हाँ, वो तो है। हाँ वही तो है। अगर ऐसे डराने का कोई अवार्ड होता तो 100% मुझे ही मिलता। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी शर्मा जी है ना, वो एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, फिल्म बनाते हैं। हाँ अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मंदिर से निकलते वक्त क्या बोलते हैं, वो जो निकलते समय देते हैं, जलेबी? अरे नहीं, उसके अंदर प्रसाद। हाँ
वो हमें प्रसाद के रूप में मिला हुआ वरदान है। क्यों? मिस्टर मेकअप मैन, तू इधर दे। अगर तू भूत को देखेगा मतलब सच में, तो डरेगा या नहीं? मुझे बिल्कुल सच बता। सच बताओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब्रिस्तान में पला बड़ा है ये जनार्दन शर्मा। झूठ बोल रहा है। ए, मेरी बात सुन। बोल रहा हूँ बात सुन। सुन, भूत नाम की चीज होगी तो डरोगे ना, और जो चीज है ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या डरना? तू भूत बोल रहा है नहीं बोल रहा पता नहीं, पर नशा उतर रहा है मेरा। ओए चल्लपा, जब तक अपन सेफ खेलेंगे अपने लिए ही अच्छा है। करेक्ट बॉयज, आई एग्री। सेफ खेलो, सुखी रहो। ठीक है, ठीक है। चलो, मैंने दारू पी है फिर भी मैं कंट्रोल में बात कर रहा हूँ ना। अब इस कहानी को हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, सही है। अरे वो सब कर लेंगे। वो मूनराइज अपार्टमेंट है ना? हे, मूनराइज में नहीं यार, रुको मैं बताता हूँ। कहाँ गया वो? हाँ, सनराइज में। ये देखो एड्रेस भी है ना। हाँ, इस बार सनराइज अपार्टमेंट। हमने जो प्लान बनाया वो सब ओके है ना? यहाँ सब लोग डरे हुए हैं ना? हाँ? ए सुन, इस बार हम जा रहे हैं करेक्ट, गोल मारना है और इसके होना है। यार इस बार मेरा पैसा टाइम से चुप, जब देखो पेमेंट मांगते रहता है वो खड़ कहीं का। कल काम को पूरा कर दे, जीत तो अपनी होगी। तो ये जाओ हमारी जीत के नाम। हेलो, ऊपर ही आ रहे हैं, सब रेडी है ना? हाँ रेडी है। अच्छा ध्यान से सुन, मैं यहाँ से नींबू फेंकूंगा, तेरा क्लू रहेगा फटाक से आ जाना और समय पर आना, गड़बड़ मत करना। एंड द डीमंस एंड द इविल्स आर इन द फ्लैट। ठीक है शांत रहो, अभी ये प्रे करने वाले हैं। हे भगवान, वो आत्मा को भगाओ। संभाल के करना, टाइमिंग अगर मिस हुआ ना तो एक साथ सब पकड़े जाएंगे। ए सतीश, जल्दी जा यार, वो लोग आ रहे हैं। सतीश, समय रे। क्या? हेलो हेलो। अरे यार बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रिया, तुझे सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो ना। तू कर लेगी ना? हाँ हाँ ठीक कर दूंगी। कुमार कम हियर। डरो मत, मैं देख कर आता हूँ। ए रेडी है ना? अरे बोलूं क्या? अरे यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। नींबू को फेंक दिया फिर भी वो नहीं आ रहा है, और फोन पर बात की तो भी बात नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? तू जाके देख के आना। हाँ, कहाँ है ये? नींबू का जूस बनाकर पी गया क्या? सतीश, सतीश, ए सतीश। रिया, उसको ढूंढने भेजा तो ये भी गायब हो गया, अब कहाँ गया होगा ये? कुमार, सतीश कहाँ गया ये? शिट यार। ए, सतीश नहीं दिख रहा है। यहाँ कुमार गायब हो गया है। अरे यार ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ चला गया? ठीक है एडजस्ट करते हैं, तू ऊपर आ जा। ए तू कहाँ है, ये मुझे क्या पता पागल। हमारे क्लाइंट्स भी भूत जैसे यहाँ पर ही खड़े रहेंगे, क्या करें। हेलो सुनाई दे रहा है? ऊपर आ जाऊँ क्या? तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ब्रेक हो रही है, ऊपर आ जा। सतीश, ये सतीश, कुमार, अरे कहाँ हो यार तुम लोग? पापा प्रिया, तू तो मौजूद है ना? प्रिया, अरे कहाँ गए यार तुम लोग? सेक्रेटरी शर्मा जी है ना?
वो एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, फिल्म बनाते हैं, हाँ है ना? वो हमें प्रसाद के रूप में मिला हुआ वरदान है। तेरी इतनी हिम्मत की तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था, और ये पूरी टीम भी तेरी ही है। हाँ, एक लड़की को भूत का मेकअप करा के बेवकूफ बनाया, लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाने का अच्छा धंधा सीखा है। हाँ, मुझे देखकर मजाक लग रहा है तुझे? मैं तुझे वरदान के रूप में मिला हूँ क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर गलती हो गई सर, पुलिस को मत बताना सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हे चुप बैठो, तुम सबको फंसा दोगे। चुप। हाँ सर, एक बार हमें छोड़ दीजिए सर, अनजाने में सब कुछ हो गया। हम वादा करते हैं अब कुछ नहीं करेंगे सर। हाँ सर, वो भरोसा करते तो हम क्यों तोड़े, काम खत्म होते ही पैसा मिल जाएगा, आप चाहो तो शेयर ले लो। ज्यादा मत बोल, नहीं तो थोपड़ा तोड़ दूंगा। ठीक है सर। क्या कर रहे थे तुम? बिना मतलब हम सबको फंसा देते। बोल महेश। भाई संतोष नाथन को मैंने बहुत फॉलो किया। एक बहुत बढ़िया मैटर मिला भाई। क्या मैटर है? भाई ये संतोष नाथ भूत पिशाच और जिन जगहों पे बुरी शक्तियां हो ऐसे प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं रखता। भूत पिशाच? अभी पास के एक गांव में एक ऐसा ही मैटर है भाई, अभी पता चला है मुझे। उसे रिजेक्ट करके चला गया। पूछताछ करने पर पता चला है कि उसकी कुंडली में इस तरह का दोष है भाई। एक और जरूरी बात भाई, ओनर अगले हफ्ते गांव आ रहा है भाई, अगर मिस कर दिया तो वो जगह अपने हाथ से निकल जाएगी भाई, उसी दिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा भाई। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके भाई। तू भूत भगाने वाला है ना? निकल निकल, और तू भूत है, निकल। सर जा जा, निकल। सर मारना मत सर। चल निकल। थैंक यू, मैं भी चलता हूँ सर। थैंक यू सर। वो कौन है? जनार्दन सर, जनार्दन शर्मा। करता क्या है? मैं क्या है सर, मैं एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग आर्टिस्ट हूँ। रात को ना वो कब्रिस्तान में सुंदरियाँ वो निकलती है ना, हांडी से माता या भूत या ऐसी कई फिल्मों में काम कर चुका हूँ सर मैं, इसलिए इन्होंने मुझे अपने साथ बुला लिया। दो बड़ी फिल्मों में बातचीत चल रही है सर, हम आप और नया भूत, और एक फिल्म है जिसमें पिशाची पिशाचों का रोल है। हॉलीवुड तक भी ट्राई कर चुका हूँ सर मैं। अभी तो मैं रीजनल फिल्म्स की डबिंग में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, उसी में मैं मेकअप मैन भी हूँ सर। पूछा जाए तो भूत मेकअप स्पेशलिस्ट ये हूँ सर मैं। आप भी उस लड़की का चेहरा देख कर डर गए थे ना? मानता हूँ डर लगता है सर, वही हाथ की सफाई करता हूँ सर मैं, और जल्दी मुझे अवार्ड भी मिलने वाला है सर। सर मैं आपका भी बहुत बढ़िया मेकअप कर सकता हूँ, रुकिए। उठा के ले चलो इसे। सर 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 नहीं सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों भाई, चाय मांगा था क्या? हुआ हेलो। मैं नहीं मांगा था। ब्रदर बात कर रहे हैं। टम्बू क्यों बांध के रखा है भाई? इसे खोल कर रख दो, हवा में उड़ रहा है। सारे लोग ऐसा ही बांध कर रखते हैं। ठीक है, काम खत्म करके जल्दी आ जा। ओके। कौन था यार? प्रिया थी, ऑडिशन खत्म करके यहाँ आएगी बोल रही है। अजीब आदमी है यार, हम लोगों को छोड़कर मेकअप में इनको पकड़ लिया। हाँ, उस आदमी को खुद से ही फायदा नहीं है, क्या प्लान कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे वो सब छोड़, एक आदमी कम हो गया ना, अपना पेमेंट बचेगा। हाँ क्या कहता नहीं है? नहीं यार, वो कुछ तो प्लान कर रहा है, क्या है पता करना पड़ेगा। मेरी समझ में आ गया, लगता है उसके सिनेमा में हीरो बनने की इच्छा है, इसीलिए उसे पकड़ कर रखा है। समझ गया? अच्छा, हाँ, सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ। क्यों, हाथ में पैसे हैं, क्या करूँ पता नहीं। हाँ सिनेमा का शौक सबको होता है। वो हमें रखे कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हाँ? हाँ। ए, चुपचाप उसे फोन कर और पूछ ना। ऐसा क्या? अरे करके पूछ। हेलो, हाँ मैं जेम्स बोल रहा हूँ। अच्छा मेकअप दादा अभी तक नहीं आया? कल कितने बजे? ओके। अरे यार
वो आदमी तो हमें कंस्ट्रक्शन बेस में आने के लिए बोल रहा है। किस लिए और किसके लिए? कड़िया काम करवाने के लिए। इसीलिए पहले कहा था, तेरे हाथ पर गंदे रहते हैं, साफ रखा कर। अब देख कैसे कैसे ऑफर आ रहे हैं। मुझे तो बैग पहने, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। सर, मेकअप दादा कहाँ है सर? तुम लोग कितने दिन से ये फ्रॉड का धंधा कर रहे हो? लगभग बचपन से ही कर रहा हूँ सर, बचपन से ही ये फ्रॉड का काम करते करते। और अब तो सीजन के हिसाब से हम लोग भूत का काम शुरू कर रहे थे सर, लेकिन पुलिस ने खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने पकड़ कर तुम्हें कभी अंदर डाला क्या? नो वे, परफेक्टली प्लान करके पक्का एस्केप हो जाते हैं। सिनेमा में जैसे होता ना, फर्स्ट टाइम आपके पास ही फंस गए सर। क्यों रे? रियल एस्टेट में इस लेवल पर आने के लिए मैंने कितने फ्रॉड काम किए होंगे मालूम है तुझे? और मैं ही तुम्हें चीट करने के लिए मिला। एक 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 कॉल, एक कॉल काफी है तुम लोगों को अंदर कराने के लिए, समझे? नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मैं तो एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ सर, बड़ी हीरोइन बनने के लिए आई थी यहाँ, भाई की पढ़ाई के लिए इन लोगों के साथ मिल गई। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। एक कुमार बोलना। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग शरीफ लड़के हैं सर, पुलिस के पास मत भेजिए सर। पुलिस के पास नहीं जाना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे? सर आप जो बोलेंगे वही करेंगे ना सर, है ना भाई? ठीक है, हमें आपके लिए करना क्या है? यहाँ तुम लोगों ने जो किया वही मैं जिस जगह के लिए बोलूंगा वहाँ करना होगा। पांडिचेरी ECR में एक पुराना स्कूल है, उस स्कूल को खरीद कर रिसोर्ट बनाने का मेरा प्लान है। ऑनर तो बेचने को तैयार हो गया लेकिन वो संतोष नाथ बीच में आ रहा है। लेकिन संतोष नाथ को वहां पर भूत है ये प्रूफ कराकर वहां से भगाना होगा, और वो स्कूल सिर्फ मैं ही खरीदूंगा। करेंगे, लेकिन इसमें कितना रिस्क है ये तो आपको भी पता है, बट हम इसे परफेक्टली कर देंगे। लेकिन प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर शेयर देंगे तो ही डील ओके, क्या बोलते हो? पहले काम शुरू करो, सब मिलेगा। सर मेकअप दादा कहाँ है सर? मेकअप दादा तुम्हारी जीप में ही है, जाओ। चलते हैं। शेर को जंगल में देखा होगा, रोड पे देखा होगा, पिंजरे में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। जोर से मारूंगा तो 1.5 टन वेट रे। दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या? शक्ति तू खूबसूरत है, सोचा नहीं, बस सूरत है, सोचा नहीं, कुछ हो न जाए इसी बात का डर है। अबे ओए, और एक बार मैं तुझे यहाँ देखा तो देखने की जगह पर ही खड्डा खोद के गाड़ दूंगा। मैं जो एक बार बोलता हूँ करके दिखाता हूँ। अरे एक होना गया। सर वेलकम सर, सर ऑल डायरेक्टर्स वेलकम सर। क्या स्टाइल में उतर रहे हैं, बड़ा डायरेक्टर है, सब कुछ रेडी है सर। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। वो चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि कोई क्यूट बॉय मिलेगा, वो आप ही हैं क्या? देख के तो पता चल गया होगा कि मैं ही हूँ। हाय हाय क्यूट बॉय। ओह आप ही पकौड़े भाई हैं क्या? अरे मैं पकौड़े भाई नहीं हूँ, मैं पकौड़ा हूँ। एक मजाक था, वो क्या है कि मैं बहुत मजाकिया किस्म का आदमी हूँ यार। वो नस कहाँ है जरा ढूंढ, ब्लेड डाल देता हूँ। संतोष नाथ बोले थे आप फिल्म के लिए लोकेशन देखने आ रहे हैं, पांडिचेरी में फिल्म बनाएंगे तो सुपर हिट होगी। सर इसमें कौन से डायरेक्टर हैं? आपको देख के ही लग गया था सर मुझे। ठीक है तो फिर आप सब कौन हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर, शक्ल से तो कुछ और ही दिख रहे हैं। सॉरी बाय द वे, मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, मैं हूँ पकौड़ा, गांव का नाम भी पकौड़ा। मेरे गांव में सब मुझे गांव का हीरो बोलते हैं, लेकिन मेरा एम है वर्ल्ड का हीरो बनना, क्योंकि मैं एक पोर्न आर्टिस्ट हूँ। मतलब पोर्न आर्टिस्ट? अरे वही जो बचपन से एक्टिंग करते हैं, सिंबू, ऋतिक रोशन, हॉलीवुड में भी टॉम क्रूज, नीलिनो टकापो, अर्नाल्ड स्वेजनेगर, अल्बर्ट टचिनो और भी बहुत सारे हैं, है यही मेरा सपना है। अच्छा सर लोकेशन कहाँ देखने वाले हैं? एक ही लोकेशन है, पांडिचेरी पुराना स्कूल। क्या कहा? पुराना स्कूल? क्या पुरानी फिल्म बनाने वाले हैं? सर
पांडिचेरी में बहुत सारे ब्यूटीफुल लोकेशन हैं। उसे छोड़ के पुराने स्कूल की बात कर रहे हैं। मेरी पिक्चर के लिए तो वही फिट है। आप डायरेक्टर हैं, आपका आइडिया है तो करेक्ट ही रहेगा। सर आपकी फिल्म में कोई कॉमेडी रोल है क्या? Why am I asking? Because मैं बहुत डमी मास्क बना के रखा हूँ सर। पैसों की टेंशन मत लीजिए, वन ईयर डेट देता हूँ, कितना भी यूज कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। What is it? वो क्या है, हम बना रहे हैं भूत की पिक्चर। क्यों सर, भूत की फिल्म में कॉमेडी नहीं होता है? हाँ, भूत के साथ भी कॉमेडी तो बना ही सकते हैं, लेकिन पहले इस बारे में सोचना पड़ेगा। तू बैग पकड़ लेके आ। भूत से ही मेरा मुकाबला है तो याद है बेटा, भूत है या मैं हूँ, देखता हूँ मुझसे बड़ा एक्टर कौन है। सर आप रुकिए सर। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देख लेता हूँ। हम लोग हैं ना, आप परेशान मत होइए, काम हो जाएगा। मैंने बोला ना हो जाएगा। हाँ हम आ जाएंगे, ठीक है। हाँ चलो भाई, प्रेस मैटर रजिस्ट्रेशन हो गया भाई। हो गया हाँ। क्या ए, भाई वो पुराना स्कूल था ना? हाँ भाई। तू और बबलू जाके देख ले। ठीक है भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, साथ में लॉयर को लेके जा। लेके जा, चल। और सुन, हाँ भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चल। लग रहा है इसलिए पुतला बना दिया। हाँ टेंशन मत ले, तू भी मरेगा ना तो पुतला बना देंगे। मैं तो वेट कर रहा हूँ तेरे मरने का। दूसरे को मारने की दुआ कर रहा है तू, एक दिन सब मरेगा लेकिन पुतला तो मेरा ही बनेगा। हाँ पूर्ण मणि का है, करेक्ट। वही सोच रहा था किसका है। कौन थे? एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, मेरे गांव में हमेशा मंदिर में भंडारा कराते थे, बहुत मजा आता था। अरे बाप रे, बेसिकली इज अ रैपर यू नो। क्या जबरदस्त शॉट आएगा। प्रिया तू मेकअप करने के बाद वहाँ खिड़की में खड़ी होगी और वहाँ बाहर की तरफ झांकते हुए तू टेरर वाली हंसी हंसेगी, बिल्कुल ऐसे। और ऐसे हंसते हंसते तू दोबारा सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आएगी और वहाँ जाकर सीधे तू चल के संतोष नाथ के पास आ जाएगी। हैं कैसा लगा शॉट? बकवास शॉट है। तू डायरेक्टर नहीं है, मेकअप मैन है। तेरा काम पाउडर लगाना है, तू वही कर, समझा? कट। वैसे तो ये जगह काफी बड़ी है, मजा आएगा यहाँ खेलने में, है ना? क्या बोलता है तू? अरे उसी के लिए तो इतनी दूर आए हैं यार, अंदर चलकर देखते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के इसका ओनर कहाँ भाग गया? यहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं है। ओनर NRI लगता है। NRI है, नॉर्थ इंडियन है। देखा ना प्रिया, लगता है सेठ बहुत पैसे वाला आदमी है, इसीलिए तो इतनी जमीन खरीद कर रख दी है और भूल गया है। एक सेल्फी तो बनती है। ओह क्या जबरदस्त पोज है, आज भी कॉलेज स्टूडेंट लगता हूँ। तूने पढ़ाई भी की है क्या? पढ़ाई नहीं की। हाँ लेकिन हमारे गांव के स्कूल में मैं डेली घंटी बजाता था। हाँ मेरी घंटी बजाने की स्टाइल को देखकर उस स्कूल की PT टीचर मुझे लाइन मारती थी। एक दिन उस टीचर ने मुझे बुलाया और कहा कि तू इतने साल से सर्विस कर रहा है, तेरी जैसी घंटी कोई भी नहीं बजाता है जनार्दन शर्मा, और ऐसे कहते कहते मेरे गाल पे मार रही थी। उस दिन उस चक्कर में मैं घंटी बजाना भूल गया। उसकी याद में मैं ऐसा खो गया था कि मैं सब कुछ भूल गया था। बस मैं तो उसे लगातार देखता ही जा रहा था। उस टीचर को लाइन मारते हुए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया। पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज इन द ओल्ड स्कूल। उस दिन मुझे स्कूल के सभी लोगों ने मिलके कुमार, ए सतीश, ये सब अकेले छोड़ के कहां भाग गए यार? उस दिन की याद मेरे दिल में बस चुकी है, दिल में बस चुकी है। एक जमाना था जब मेरे दादाजी के पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, अपना स्कूल भी था, लेकिन उसे बेचकर सब दारू में उड़ा दिए। क्या बोलूं? ए, ये बोरिंग कहानी ना अपने पास ही रख।
ए वहां देख। ए कहां हो तुम लोग? कुमार सतीश इस जगह को तो देखकर ही डर लग रहा है। भूत का मेकअप करके मैं कैसे नाटक करूंगी यहाँ? रवि विद्या, देवा विद्या, अरुण विद्या, आनंद विद्या, ये क्या रे? एक ही लड़की को इतने लोगों ने प्यार किया यहाँ पर, उस लड़की ने किससे प्यार किया ये तो ऊपर वाला ही जानता है। देखा ना, उन सबको अगर यहाँ बुलाएंगे ना तो उनको डरा कर पैसे कमा सकते हैं, कोई शक भी नहीं करेगा। क्या बोलता है? उधर भी कुछ और बाद में वो बल्ब यहाँ बांध देंगे, टेंशन ही नहीं है। ये कहाँ हो रहे तुम लोग? होल्डर रेडी है। प्रिया क्या हुआ? पता नहीं किधर चली गई। क्या हुआ? सब कुछ देख लिया। प्रिया कहाँ है? मैंने नहीं देखा। तेरे साथ ही थी वो। रुक मैं देखता हूँ। छे कितना गंदा है, बाथरूम वगैरह सब जगह ऐसा ही लिखा हुआ है, टपोरी कहीं के। ए, ए, मैथ्स है। मैथ्स है तो वहाँ इस तरह क्यों लिखा हुआ है? जो है वो क्यों नहीं है? हाँ देख ना वहाँ, चल जा। से देख। ए प्रिया क्या कर रही है वहाँ? चल चल यहाँ से। अरे ये भी मैथ्स है, ये हमारी समझ में नहीं आएगा, चल यहाँ से। अरे हाँ चल मैं तुझे सिखाता हूँ, आजा। हे ये प्रिया और मेकअप दादा कहाँ चले गए? उनको भी बुलाओ ना। अरे वो लोग दोनों मेकअप का टेस्ट ले रहे होंगे, छोड़ ना। स्कूल को देख के तो डर रहे थे, खिड़की से थोड़ी सी आवाज आती तो डर जाते हैं, अकेले में क्या खाक मेकअप करेंगे? उन लोगों को डराना ही नहीं है बल्कि वहां भूत है ये यकीन दिलाना है। टॉक टू यू भाई बॉस, हॉलीवुड? ओ मैं भी बेसिकली हॉलीवुड की मूवीज ही देखता हूँ। आप? हाँ, जो भी फिल्म मैंने देखी है सब बताता हूँ। रेसिडेंट सेविल, हिचको नाइट चेन, कौन भूत रिटर्न, द ड्रिल वे, द आईज। बाद में वो जेम्स कैमरॉन एक फिल्म बनाए थे ना, वो जॉस। टोमेटो सॉस या चिल्ली सॉस? वो मुझे कैमरामैन को ही पूछ के बताना पड़ेगा। बाद में सिल्वेस्टर स्टेलोन एक फिल्म बनाए थे ना, जेरोक्स पार्क। जेरोक्स पार्क? बड़ा बड़ा छिपकली खोपड़ी सब गांव के अंदर सबको भगा भगा के मारती है ना। जुरासिक पार्क? भाई वही। अब भूत की फिल्म बना रहे हैं इसलिए आपको इंग्लिश फिल्म दिखाता हूँ, उसमें से सीन चुरा करके बना लीजिए। द कॉन्जरिंग बेस्ड ऑन टू एक्सीडेंट, ब्यूटीफुल मूवी, मस्त है। टाइटल ही चल रहा है। अच्छा पकौड़ी, इस गेस्ट हाउस का नंबर क्या है? 13। ये क्यों पूछ रहे हैं? सुपर नंबर है। वहाँ देखिए भूत कैसे ताली बजा रहा है। हमारे ऊपर हंस रहा है क्या? मैं सब डरावनी फिल्म ही देखता हूँ, ये देख के मुझे बहुत हंसी आती है। पकड़ उसको, दबा, मार डाल, मार मार। हाँ हाँ मार मार मार। इसको हटाना। क्यों भाई डर लग रहा है? चाहिए तो मैं एक जोक बोलूं क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी कॉमेडी पिक्चर है, आप खुद ही देखो। आपको पता चल गया होगा कि मैं कॉमेडियन हूँ। बचाओ मुझे। खींच खींच पकड़ पकड़ खींच खींच।
रे खींचने के समय ही लाइट चली गई। फिनिशिंग टच देना था और लाइट चली गई। ये भी चोली है। ए, इतने अंधेरे में क्यों हंस रहा है? अरे नहीं बॉस, दिन में हंसने से अच्छा है कि नाइट में हंस लो। जाके टॉर्च लाइट लेके आना। बात समझ में नहीं आती। अरे जाके लेके आना। ठीक है लेके आता हूँ। ये पकौड़ा, ये लोग भूत की फिल्म बना रहे हैं। इन लोगों को कैसे भी डरा के इम्प्रेस करूंगा तो एक करेक्टर रोल तो मिल ही जाएगा। करेक्टर रोल क्यों, हीरो बनूंगा। अभी इनको गेटअप बना के दिखाना होगा क्योंकि मैं एक बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। लुंगी डाल के गेटअप चेंज करता हूँ। जरा जाके देखो ना मेकअप दादा। हाँ हाँ देखता हूँ, तू यहाँ से हिलना मत, बैठी रहना। हाँ ठीक है। पकौड़ा परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर। मटोल बॉर्न आर्टिस्ट है। पकौड़े, भूत की फिल्म में एक्टिंग करेगा रे? तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हूँ, है? बता कैसा था मेकअप? सुपर मेकअप दादा, बहुत अच्छा। चल चल जल्दी आ जा, बहुत काम बाकी है। ए, इसे क्या हुआ? है? मर गया क्या? मरा नहीं है, मेरा मेकअप देख के ऐसा लगता है कि ये कोमा में पहुंच गया। मिला। ओहो मेकअप दा, तेरे मेकअप को देखकर ये नमूना ही डर सकता है। क्यों? लेकिन अपने प्रोजेक्ट के लिए इससे भी डेंजर मेकअप चाहिए। गेट रेडी, गो प्रिपेयर। स्टेट अवार्ड के लिए तो ट्राई कर ही चुका हूँ, अब नेशनल अवार्ड के लिए ट्राई करने वाला हूँ। प्रिया कम ऑन, लेट्स डू द नेक्स्ट टेस्ट। अरे मेकअप दादा नहीं, जल्दी तो अवार्ड नहीं मिलेगा। बॉडी से स्मेल आ रही है, सांस भी नहीं चल रही है। अब इसको जलाएं या गाड़े को, खत्म हो गया। सतीश, हाँ ऊपर आ। इसको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते यार, अगर कुत्ता उत्ता खींच कर ले गया तो। हेलो, कल सुबह संतोष नाथ के आदमी लॉयर के साथ आ रहे हैं। तुम उन लोगों को टारगेट करोगे तो संतोष नाथ को सब मालूम पड़ जाएगा। ओके ओके, हम लोग देख लेंगे। क्या बात है यार? सुनील नाथ के आदमी और सर्वेयर्स कल स्कूल देखने आ रहे हैं। हाँ। हमने जैसा प्लान किया है उसी तरह उनको डराकर भगाना होगा। भगा देंगे। जगह मस्त है ना? हाँ बहुत है? अच्छी है। हाँ भाई बोलिए भाई। हाँ हाँ पहुंच गया भाई। हाँ वही देख रहे हैं भाई। हाँ भाई जगह बहुत जबरदस्त है भाई, छोड़ना नहीं भाई। हाँ ये सब करके आपको फोन करता हूँ भाई। क्या हुआ होगा भाई? जाकर देख जरा। यहीं पर भाई।
सर ये सब क्या हो रहा है सर? शांत रहो, देखता हूं। कुछ तो है, भूत लग रहा है भाई। को बचा लो। ये लो बहन। स्वामी जी, ये नींबू अपने घर पर ले जाओ। 6x6 का गड्ढा खोदकर उसमें इसे दबा देना। ठीक है, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए, जाके आइए। चलो। हेलो स्वामी। बोलो संतोषनाथ। एक पुराना स्कूल बिकने वाला है, ठीक है। उसे देखने के लिए अपने लड़कों और लॉयर को भेजा था, तो उन्होंने बताया कि वहाँ भूत और पिशाच है। भूत पिशाच? हाँ, ऐसा ही बोल रहे हैं स्वामी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप देख लेते तो ठीक था। संतोषनाथ, तुम्हारी कुंडली के हिसाब से ऐसी जगह खरीदना हानिकारक है जिसमे भूत पिशाच रहते हो। फिर भी मैं किस लिए हूँ? सही कह रहे स्वामी। कल जाकर हम देखेंगे ये भूत और पिशाच क्या कर लेते हैं। ठीक है स्वामी जी। भाई नहीं भाई। स्वामी जी आ रहे, बोल दिया ना, कल रात में जाएंगे, अब चुप हो जा। क्या शॉर्ट के लिए और 30 दिन है? ए, लिया हुआ उधारी सब चुका देंगे रे। क्या फीचर फिल्म है? भूत की फीचर फिल्म? छे, गोली मारते ही जा रहे हैं। हेलो, वो सब तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन कैश का क्या मैटर है? ये क्या बोल रहा है यार सफेद कुर्ता वाला, समझ में नहीं आता। सुनील नाथ स्कूल आ रहा है। हाँ। अपने प्लान के हिसाब से उसे डरा के भगा देंगे तो अपना काम हो जाएगा और हमें अपना पैसा मिल जाएगा। कब? आज ही रात को। अरे रे, आज रात को चांस ही नहीं है। अरे यार, एक स्मॉल प्रॉब्लम है, मैं जरा बाद में बात करता हूँ। क्या रे, क्या हुआ उसको? प्रिया को बहुत बुखार है, वो उठ नहीं पा रही है, आज भूत का मेकअप कैसे कर पाएगी? ए, उसकी जगह किसी और को बुला ले क्या? ए, ये आउटडोर है, तुम्हारे बोलने से यहाँ कोई लड़की रेडी नहीं होने वाली है। एक बात जान लो, मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ, आई एम अ मेकअप मैन। इट इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ए, थोड़ा घूर के देख, थोड़ा गंदा हंस, भूत का मेकअप तेरे पे अच्छा जाएगा। मुझे भूत का मेकअप करा के कोई फायदा नहीं, एक छोटा बच्चा भी नहीं डरने वाला, तो संतोष नाथ कैसे डरेगा? ए, तू ठीक रहेगा यार। वही तो, मैंने भी वही सोचा था। कॉमेडी मत करो, मैं भूत का मेकअप क्यों करूंगा? फिर क्या? मैं अवतार, आयरन मैन, डेडपूल, कैप्टन अमेरिका और ये हल्क, सब है ना भाई। तू गेम ही खेल। हाँ चल ठीक है। आप लोगों की प्रॉब्लम को देख के मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, हालांकि मेरा टैलेंट ऐसा है कि मैं किसी भी चेहरे पे अच्छा मेकअप कर सकता हूँ। आई विल पुट मेकअप, आई विल मैच इट। वो अगर काला कौवा भी हुआ तो भी चलेगा, और ऐश्वर्या राय होगी तो भी चलेगी। तुम चाहे तो टॉस कर लो या इंकी पिंकी खेल के डिसाइड कर लो, आपस में तीनों को एक फैसला ले लो और मेरे पास एक आदमी चले आओ। आई एम वेटिंग।
स्वामी जी, जो मैंने बताया था ना, यह वही स्कूल है। इसी में भूत पिशाच होने का शक है। भूत हो या पिशाच हो, किसी बुरी शक्ति से मत डरो संतोषनाथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शंभु, चला जा। पूरा का पूरा भूत बन गया है ये जनार्दन शर्मा। लक 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 ची ची सेट नहीं हो रहा यार। फूल नहीं रखा है ना, टीका भी नहीं लगाया है। अरे मुझसे नहीं होने वाला यार ये सब। मूंछ रखी है, मूंछ तो पहले कटा। क्या गधे बेवकूफ, एक्ट ही नहीं कर पा रहा। छी, ये सब ऐसे ट्राई करके देखते हैं जरा। उम्मीद नहीं की थी ना कि मैं तुमसे फिर मिलने वापस आऊंगा। उम्मीद नहीं की थी ना कि मैं तुमसे ऐसे मिलने आऊंगा ना। क्या नहीं उम्मीद नहीं थी? तू भूत का इतना गंदा परफॉर्मेंस करेगा सोचा नहीं था। अरे मैं भूत का मेकअप मैन हूं, कोई आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। ए, मुझे शेव करने के लिए बोला था और खुद मुझे नहीं निकाली। ए, भूत हमेशा क्या औरत ही होती है? भूत कोई आदमी नहीं बन सकता है क्या? तुझे इतना भी नहीं मालूम है? कोई भी बन सकता है भूत। लॉजिक है। ए, वो सब लोग आ गए हैं, तुम लोग रेडी हो ना? इसे पकड़। सब लोग लाइन में रहना और मेरा बोलना ऐसे ही फॉलो करना, गड़बड़ मत करना। कुमार तू फर्स्ट फ्लोर पे जा और तुम दोनों सेकंड फ्लोर पे। मैं इससे उन्हें डराऊंगा। अरे वो खोपड़ी पहले से टूटी हुई है, तू उसका क्या खाक इस्तेमाल करेगा? चला जा। अरे कोशिश तो करने दो, आज टूटी से काम चलाऊंगा, और तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, इसी से डराएंगे। भाई नहीं भाई, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। चुप चुप। स्वामी चलो चल। स्वामी जी भाई, वो भाग गया भाई। हे ओ बंदरक, नंबर टू। नंबर टू मतलब मैटा डॉग ना? हाँ वही वही। हाँ मैं करता हूँ करता हूँ, ठीक है। स्वामी आपको कुछ दिखा क्या? इस आदमी को दिन में गाय नहीं दिखती, रात में क्या भैंस देखने वाला है? अच्छी जगह है संतोषनाथ, इस जगह जरूर कोई असाधारण है। स्वामी जी सुपर यार, ऐसे ही कंटिन्यू कर। ओरिजिनल आवाज निकाल रहा है ये तो। स्वामी आवाज उधर से आ रही है। माघ का महीना है ना, इसीलिए। माघ का महीना है। हाँ चले स्वामी ऊपर चले। हर शंभो वो लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तुम लोग रेडी हो ना? भाई 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 चलते हैं भाई। डरपोक आदमी को लेकर क्यों आए हो संतोषनाथ? स्वामी छन छन की आवाज आ रही है। यह किसी कीड़े की आवाज है, तुम चलो। ऐसा है क्या? तुम जरा भी चिंता मत करो संतोषनाथ, मैं हूं ना, चलो। भाई बहुत डर लग रहा है भाई, मेरा तो पेट खराब हो रहा है। मुझे चले दीजिए। अरे थोड़ा रुक तो। मुझे चले दीजिए स्वामी जी। ए ए कहां जा रहा है? भाई 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 भाई। मेकअप दादा, मेकअप दादा।
तुझे देख के डर नहीं घिन आ रही है? इतना गंदा लग रहा हूँ। ए, तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा? तू क्या दीवार के पीछे आइस पाइस खेल रहा था? नो आई एम वेटिंग हियर। ऐसा गंदा चेहरा बना के मजाक किया ना तो घूसा मारूंगा तुझे। हाँ? इसको कॉमेडी लगी? देख इतना सीरियस और हॉरर मेकअप करके रखा हुआ तेरे सामने खड़ा हूँ और तुझे कॉमेडी लग रही है? फिर से कॉमेडी कर रहा ना? सतीश, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे वो आदमी अंदर आ गया, तुम लोग मुझे और परेशान कर रहे हो यार। मेरे मेकअप की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी। हट चल। भाई मैं पहले ही देख चुका हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। इसको देख के तो मुझे भी डर लग रहा है यार। वो सब आ रहा है, अच्छे से परफॉर्मेंस करके डरा दे उन लोगों को, समझा ना? अब मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूंगा ना कि उनका दिमाग घूम जाएगा। सभी इस जगह को खरीद लूंगा तो हे कॉमेडी थिएटर बनाऊंगा यहाँ पे। हे हे सुनो इधर, मैं कितने जान लगा के तुम्हें परफॉर्मेंस करा और ये लोग बात करते हुए चले जा रहे हैं। भूत की तो कोई वैल्यू नहीं रही यार। क्या रे है? भूतों के जैसा करना चाहिए तो भरतनाट्यम का पोज दे रहा था। क्या कहा? पोज दे रहा है? मैं तो यहाँ बिल्कुल सही खड़ा हुआ था। वो नालायक लोग डरे नहीं तो फिर मैं क्या करूँ? तुझे देखेंगे तब तो डरेंगे ना। हाँ? अब देख मैं क्या सॉलिड परफॉर्मेंस देता हूँ। देखता रहे, बस देखता रहे। आ जाओ। हैं तू? ए कुमार, ये हिचकी का साउंड कौन दे रहा है? ये प्लान में नहीं है यार। ए मैं नहीं हूँ रे। ए सतीश, तुम्हारी आवाज लग रही है। मैं क्या तदा कर रहा हूँ घरे? क्या कहा? तू नहीं है? ए सतीश बोलना। फिर से ये हिचकी कौन ले रहा है? हिचकी? मैं हिचकी नहीं ले रहा हूँ रे। तूने भी हिचकी नहीं ली? मैं तो फिर किसने ली? ये तू क्या खा रहा रे? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? पफ्स। मटन पफ्स या चिकन पफ्स? अंडा पफ्स। शाम को भूख लगी थी तो मैंने खरीद लिए, बस वही है। लिखा किसी भी टाइम तो कुछ भी खा के हिचकी लेके मुझे फंसा रहा तू। मैंने कहा हिचकी ली? मैं तो खा रहा था। चुप, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, तुम जाओ 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 जाओ, मैं करता हूँ। चप्पल से मारूंगा तुझे, समझा? अरे धक्का क्यों दे रहा यार? मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन, जो गलती पहले की वो मत करना। नहीं, नहीं, जैसे ही वो आएंगे तू उनके सामने खड़े हो जाना, उनको डरा देना और एक ही बार में उनका काम खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। एक बार टाइमिंग सही हो गई ना तो वो सब डर के भाग जाएंगे। टाइमिंग? टाइमिंग? हाँ भाई। कौन नोट कर रहा है मेरी टाइमिंग? मैं भूत हूँ भूत, मेरी टाइमिंग पे नजर मत, तू निकल यहाँ से, जा जा जा। टाइमिंग जा ना, टाइमिंग 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 है, समझ गया ना? तू कर लेगा ना? ओके सुपर। चल कहीं वो आदमी गड़बड़ ना करते, उसको ठीक से करने को बोलना। तू चिंता मत करे, इस बार उसकी टाइमिंग सही होगी। अगर इस बार उसने मिस किया ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। क्या रे, क्या करेगा? पता नहीं, फ्री होकर बताऊंगा। स्वामी इस तरफ। नहीं संतोष, इस तरफ ठीक नहीं है, उस तरफ चलो। टाइमिंग समझ गया? समझ गया? टाइमिंग समझ गया, समझ गया। अभी तेरे दिमाग में घुसा? तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इतना सा काम भी तू कर नहीं सकता ना? बड़े बड़े बाल लगा के मेकअप कर लिया, अब उनके सामने जाके बड़ा सा मुंह खोल के उनको डायलॉग बोल, समझा ना? बताओ ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे करोगे तब डरेगा, समझो? बेचारा है, इसको मेरी एक्टिंग पर कितना भरोसा है और मुझे अपने मेकअप पर भरोसा है। मेरा मेकअप कमाल करेगा। हार्ड वर्किंग नेवर फेल्स, अभी देखना। यहाँ मेरा काम हो गया, वो लोग तेरे फ्लोर पर आ रहे हैं। मेरे फ्लोर पे? ठीक है, आने दे आने दे, आ गए। मैं देख लेता हूँ, देखता हूँ मैं।
संतोष नाथ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत भूत पिशाचों को देखा है, ये क्या चीज है? स्वामी उधर क्या है बताओ, नहीं रुकना है, बता दो। ये क्या तैयार होकर घूमकर भाग रहा है? नींबू है स्वामी जी। ये सब कैसे हुआ, तुम भी समझ नहीं रहे हो? शायद उन्होंने जो बोला वो सच होगा। मार, मार। ये क्या ऑफर भी तोड़ रहा है? एक तोड़ने को बोला था सारा तोड़ रहा है। मुझ पर विश्वास नहीं किया, स्वामी को लाके मरवा दिया। इसका मतलब उन्होंने जो बोला वो सच था। सच लग रहा है स्वामी। कल ही बताया था मैंने कि यहाँ पर मैंने भूत देखा है। तुम चुप रहो, मैं हूँ, डरना मत। नहीं तो क्या करूँ स्वामी, इसके चक्कर में हम फंस गए, अगर कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू चुप रहे, मारता है तू मुझे। इस आदमी का सहायता नहीं चाहिए। स्वामी स्वामी, अरे उधर कहाँ जा रहा है? क्या हुआ स्वामी? सतीश, कुमार, वो लोग भाग गए हैं। ठीक है, तुरंत उस बड़े हॉल में आ जा। हेलो, हाँ प्लान के मुताबिक सुनील नाथ हमसे डर के भाग गया है। हाँ पक्का वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, ऐसा क्या? ओके, ए वो आदमी तैयार होके यहाँ आया है। वाह, उस आदमी के आते ही पैसा लेके निकल जाएंगे भाई। हाँ ठीक है। अरे रुकना यार, वो सब रहने दे, कांच को मैं ही तोड़ूंगा बोला था, तो तूने क्यों तोड़ा? मुझे भी डाउट है यार, बहुत सारा साउंड सुनाई दिया, तूने किया था क्या? तो फिर वो एको साउंड हो सकता है, यहाँ तोड़ते हैं वहाँ सुनाई देता है। ठीक है वो छोड़, हिचकी का साउंड निकल के ओवर एक्टिंग कौन कर रहा था? ओवर एक्टिंग तो भाई मैंने नहीं किया। तो फिर और कौन था? तो फिर वो चिल्लपा हो सकता है। देखा तुम लोगों ने, क्या सॉलिड एक्टिंग की मैंने, कैसे भाग गए वो, क्या टाइमिंग थी। टाइमिंग तो ठीक है, स्कर्ट ऊपर क्यों उठा रखा है, नीचे कर। स्वामी और उसके आदमी लोग कैसे दुम दुआ के भागे यहाँ से, देखा? और टाइमिंग बोल रहा था ना, अब दे हाई फाई मुझे। हे हाई फाई नहीं देगा, देना हाई फाई। चल ठीक है नाराज मत हो। चल ए तू भी देना। सुना ना, हाँ।
हिचकी का साउंड। अरे भाई भाई वो सब क्या था यार, बड़ा अजीब था। अरे 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 वो सचमुच बहुत, तो वो सब लोग जो डर के भाग रहे थे वो इसको देख के नहीं, वो कुछ और था। ए, वो हिचकी का साउंड और ग्लास टूटने का साउंड था ना। अरे ये डिस्कस करने का टाइम नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ गाँव के अंदर से सबने चिल्लाना शुरू कर दिया यार, गाँव में ऐसा लग रहा है कोई अचार बेच रहा है। चलो चलते हैं, उस आदमी क्या प्लेन निकल जाते हैं। ए, इतनी मुश्किल से मेहनत करके प्लान बनाया, पैसे लिए बिना कैसे जाएंगे। जो पैसे की पड़ी है या जान पे बनाई, अगर यहाँ रुकेंगे तो सबके सब लाश बन जाएंगे। चल निकल। अरे यार सब लोग सुधरोगे नहीं। प्रिया प्रिया पकड़ो प्रिया, मिली क्या यार? पहले यहां से निकलते हैं यार। हे, पूरे घर में देखा प्रिया नहीं है। अरे वो पकौड़े से पूछो। अरे वो भी घर पे नहीं है। अरे तो उसे फोन करो ना। फोन? अरे फोन छूट गया, तेरा फोन देना। अरे कहाँ गई होगी वो? थोड़ा कूल होके बात करना है। हेलो। अरे पकोड़ा कहाँ है तू? संतोष साहब आ रहे हैं ना, इसलिए मार्केट आया हूँ। ठीक है, प्रिया कहाँ है? तुम लोग नहीं दिखे तो बोली स्कूल जा रही हूँ। क्या हुआ सर, बताइए सर। हाँ? क्या हुआ? हाँ? प्रिया हमें ढूंढते हुए स्कूल चली गई। अब मेकअप करने में टाइम लग जाएगा यार, चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। चलो मैं फिर से जाना। बोल क्या रहे हो तुम? नहीं यार नहीं। क्या बोल क्या रहे हो तुम? निकलो ना यहाँ से। प्रिया हमें ढूंढने के लिए स्कूल गई है। क्या बोल रहा है यार? ए, ए, हम वहां नहीं जाने वाले। दोबारा वहां नहीं जा सकते। डराए मत यार, हम लोग कल सुबह भी तो जा सकते हैं ना वहां पर, अभी नहीं जाएंगे। प्रिया के बिना कैसे जाएंगे?
डराए मत यार तू। दोबारा जाएगा नहीं, क्या? नहीं 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 हम वहां नहीं जाएंगे। नहीं 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 कोई रास्ता ही नहीं है। चलो रात में ये बिल्डिंग कितनी डरावनी लग रही है यार, देखते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। अंदर जाना जरूरी है क्या? तू चुपचाप रहेगा क्या? मार के फोड़ दूंगा, चल। मैं नहीं डर रहा हूँ तो तू क्यों डर रहा है? तू नहीं डर रहा इसका मतलब मैं नहीं डरूंगा, ये थोड़ी होता है यार। ए, उसको आवाज देके यहीं बुला लेना ताकि आस पास के भूत भी आ जाए। अरे बुला के तो देख, यहाँ तो सब जगह लाइट चल रही है यार। रुक जाओ, पहले उसे जाकर देखने दो। वो तो ऐसे जा रहा है जैसे पिक्चर देखने जा रहा है, बुला लेना उसको। ए, चलो यार। इसे बुला के देखना। हाँ ठीक है। प्रिया, ये तो ऐसी आवाज दे रहा है जैसे बाहर ही खड़ी हुई हो, बुलाना। आओ यार। सुना, यही से रह के बुलाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अरे चलो ना यार। ये तो हम लोगों को भी अंदर जाने को बोल रहा है यार, अरे क्या करेंगे। भूत भी कबड्डी खेल रहा है अंदर। क्या है यार? पता नहीं, कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ अंदर भी शगुन देके जाएगा अब तू। है बुला रहे यार। कुछ भी हो अंदर जाना ही होगा हमें, चलो ना यार। पता नहीं किसका चेहरा देखा था आज सुबह जो मैंने तेरी बात मान ली और तेरे साथ चला आया, कितनी भयानक जगह ये। अरे क्या करेंगे, देख वो देखने से वो लड़की बीमार लग रही थी यार, हॉस्पिटल चली हुई, वहां जाके पूछताछ करें, क्या बोलता है? ए, इतनी रिस्क मत ले यार। ए, मेरी बात मानना। मैं जाऊं क्या वापस? बोलना, अंदर जाना जरूरी है क्या? यार वापस चलना प्लीज। क्या कर रहा है? सुनना मेरी बात, चलना वापस। सुनोगे नहीं तो। ये जाना जरूरी है क्या यार? उसको बहुत जबरदस्त हिचकी चल रही थी यार, मैं उससे बात करके उसको पानी दे दूंगा। सुन, हम लोग उसको पानी पिला के भाग जाएंगे। यार क्या कर रहे हो, ये जगह कितनी भयानक है यार, अब तो कितना ज्यादा डर लग रहा है। क्या था ये जाए, उससे लेना जरूरी है क्या अभी? उसके बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो सबकी मौत तय है फिर, अगर अभी कुछ हो गया ना तो हमें कोई बचाने में नहीं आएगा यार, कुछ सोच तो सही। ए, तुम दोनों वहां चले जाओ, हम दोनों यहाँ चलते हैं। अरे यार मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। प्रिया तुम दोनों आगे जाओ, ऑल द बेस्ट, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। प्रिया प्रिया, हे उधर कहाँ? अकेले जाएगा तो मर जाएगा। शॉर्टकट से बाहर जाने की सोच रहा था यार, मेकअप मैन हूँ, मुझे कहाँ फंसा दिया यार तुम लोगों ने यार। प्रिया प्रिया, तेरे ऊपर वाले हमें बचा ले। हम बहुत ज्यादा अंदर तक आ गए यार, उम्मीद करते हैं वो हमें बहुत जल्दी मिल जाए। प्रिया, अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, चुप करना, मैं आगे जाता हूँ, तू मुझे नहीं, तू आगे जा। अरे यार, अरे चल भाग, चलते हैं यार, डर मत, चलते हैं। प्रिया 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 प्रिया, हे प्रिया। सोचा था तुम्हारे साथ मिलके दो पैसे कमा लूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला यार। एक काम करना, मरने के बाद मेरा भी एक स्टैचू बना देना। चुप चुप, जाओ से प्रिया को ढूंढ। तो प्रिया को आवाज लगा लेना। अच्छा चल मैं लगाता हूँ। प्रिया
ए, तेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, प्रिया को क्या घंटा सुनाई देगी? बोल। ए बुलाना। उसे ढूंढेंगे, वो जरूर यहीं रहेगी। ऐसे डर के मरने से तो चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाता हूँ। प्रिया! अरे मुझे बहुत डर लग रहा है यार, चल यहाँ से। ए रुक जा। चल चल ना यार, चलना, अंधेरा है ज्यादा, बाद में ढूंढ लेंगे यार, निकल जाए यार, चल ना यार, कोई फायदा नहीं होगा, चल ना, मेरी बात सुन यार, मान जा मेरी बात, प्लीज प्लीज निकल ले यार, मेरी बात तो सुन यार। तेरे पैर पड़ता हूँ यार, तू चुप रह यार, मुझ पे दया कर, भूत अकेले ही काफी है। ये क्या है? अरे कौन है? जो भी था वो गया। प्रिया, रुक रे, रे रे रे, क्या कर रहे? अंदर मत जा। प्रिया, आगे आगे मत जा। प्रिया, क्या कर? प्रिया, मेरी बात सुन। प्रिया, नहीं नहीं नहीं, सुन ना, सुन ना यार। प्रिया तू ही है ना? क्या कर रहे? क्या है यार? यार पागल हो गया? पहले इतना डर लग रहा, ऊपर से तुम लोग और टकरा के डरा रहे हो यार, आवाज लगा के बात नहीं कर सकते थे, जान निकल गई थी मेरी यार, डर के मारे मुझे भूख भी लग रही है यार। भूत को देख के सबकी फट जाती है, तुझे भूख लग रही है? चुप रह तू। ऊपर अपने आप कांच टूट रहा है, आवाज सुनी ना, ये असली भूत का काम लग रहा है यार, चलो यहाँ से। प्रिया के जैसी एक लड़की इधर गई रे। क्या बात कर रहा है? हाँ सच बोल रहा हूँ, मैंने देखा, लेकिन हम तो ऐसे ही आए, किसी को देखा नहीं। हे, मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरफ ही गई थी यार। प्रिया ही थी ना, ठीक से देखा था ना? हे, अंधेरे में देखा था तो कैसे कह सकता है, वो प्रिया थी या कोई भूत, कौन जानता है। चल निकल यहाँ से। चुप करो यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। सतीश, ठीक से बोला, उसी को देखा था यार। मेरा यकीन कर यार, वो इधर ही गई थी, हम लोग भी इस तरफ आए थे, फिर पता नहीं किधर, लेकिन हमने किसी को नहीं देखा। उधर से कोई आवाज आई है यार, अरे उस तरफ मत जाओ, पता नहीं कौन होगा यार, कुछ भी हो सकता है। अरे कौन है, देखते हैं। हे भगवान, इनके दिमाग को ठीक करो, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। जाना नहीं जरूरी है। अबे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन शांति से चलो, आ जाओ। सर जी, सर सर सर, क्या हुआ सर? अरे क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर, ये बताओ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस प्रिया को भेष बदल के नाटक करने को बोला तो वो असली में भूत बन गई है। भूत? और वो भी प्रिया? अरे ये क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला था तुझे, वो प्रिया ही थी, मेरी बात तूने मानी। प्रिया ही थी, मैंने देखा था। भूत को ही देखा होगा सर, वो प्रिया नहीं हो सकती है, आप भूत को देखकर डर गए थे सर। अरे उसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यार, तू कैसे भी क्या कर रहा है? छोड़ ना यार, अरे नहीं यार, ये पागल है, अरे चुप यार, मेरी बात सुनो, मैंने देखा था वो प्रिया ही थी। अरे बाप रे, ए महेश। हाँ भाई। इधर आ, एक मिनट भाई। हेलो, हाँ सर, यस सर, यस सर। भाई एक काम से आया हुआ हूँ। नहीं सर, उसमें कोई चेंज नहीं है, 10 बजे का रजिस्ट्रेशन कंफर्म है। ठीक है सर, पक्का सर, कर लेंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर।
श्योर। देव, सतीश, ए प्रिया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? बाकी सब कहाँ हैं? और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे कुछ बोलो ना। ए, मुझे क्यों घूर रही है? ये लोग फिर से उसकी खोज में लग गए। नहीं यार, मैं नहीं जाना चाहता यार, छोड़ ना यार, निकलो। मुझे यही सोच के डर लग रहा है कि प्रिया के अंदर भूत आ गया। अरे इससे क्यों डर रहा है बेवकूफ? अरे डर लग रहा है यार। आगे मत जाओ, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? सर जाकर देखते हैं, उसी के लिए तो आए हैं। मत जा। ऊपर वाले मुझे बचा ले। इधर आ। अरे यार, यहीं से सीधा आगे चलते हैं। अरे इधर पीछे नहीं, आगे चलते हैं ना। अरे वो अंदर है तो जाना है ना। इसका मेकअप तो सॉलिड है यार, ये सच में भूत लग रही है। प्रिया को ऐसी हालत में देखूंगा उम्मीद नहीं थी यार। प्रिया ही भूत है। अरे लग रहा है, मुझे जाने दीजिए सर। अंदर मत जा, अंदर मत जा। ये वो नहीं है, मैंने जो मेकअप किया था वो नहीं है, ये ओरिजिनल भूत है। अगर अंदर गए ना तो ये मार डालेगी यार, मत जा। अरे चलना चलते हैं। कहना मान जा मेरी बात, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। अरे मुझे डर लग रहा है। अरे अंदर मत जा यार, मत जा। मैं निकलता हूँ यहाँ से, इसने बना ये। नहीं। चलना चलना चलना। नहीं 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 नहीं। कौन हो तुम? पकड़। जाओ यहाँ से। अरे अरे सतीश, बोला था ना मारोगे नहीं तो ये होगा। सच में भूत है, परेशान किया तो ये मार डालेगी यार।
सर उसी को ले जाने के लिए आए हैं ना। देव, देव बात सुन, मेरी बात मान, अंदर मत जा। यार एक एक करके सबकी बलि चलेगी, पहले डस्टर फेंका फिर दरवाजा बंद हो गया। सुन क्यों नहीं रहा देव, चल। मुझे भी दोना। भाई कल रजिस्ट्रेशन है यहाँ, क्या ये सब तो ऐसे ही है? इतना सब जानने के बाद भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहा है? भूत पिशाच बसते हैं यहाँ पर। ओनर को फोन करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए बोलूं? मारू क्या? भाई चुप, मैंने बोला कि कल ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओनर एनआरआई पार्टी है, उसे छोड़ देंगे तो दोबारा नहीं मिलेगी, ये तूने बोला था ना। इस जगह के लिए कितनी परेशानी उठाई है, उस संतोष नाथ को यहाँ से हटाने के लिए पैसा देकर भूत का मैं नाटक करा रहा हूँ, और तू रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात कर रहा है, पागल कहीं का। हेलो, आप क्या ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हो? उस लड़की को भूत ने पकड़ा है, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे? उसकी चिंता की तभी तो हमारी ये हालत हो रही है, उसके बारे में सोचना बंद कर दो यार। भाई बोल ना भाई, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखेगा? मेरी बात तो सबको बुरी लगती है। देव तू सोच क्या रहा है, प्रिया अंदर बुरी तरह से फंसी हुई है यार। गांव में किसी तांत्रिक को जानते हो? मेरी जानकारी में यहाँ कोई नहीं है जिससे हम पूछ सके। एक दो गांव छोड़कर भूत भगाने वाला एक आदमी है, उसको बुलाकर लाएं क्या? कैसे होगा ये? उनके पास जाकर यहाँ की सारी सच्चाई बताने के लिए, उनको यहाँ पर लाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, कल ही रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सिर्फ इस जगह का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेगा, बल्कि हमारा भूत के पास भी रजिस्ट्रेशन करवा देगा, डेफिनेटली, देख लेना। भाई अपने गाँव में देखना है तो एक भगवान का मंदिर है, लेकिन इस समय वहाँ पे कोई पुजारी नहीं होगा। भाई ये दाढ़ी वाला टूरिस्ट गाइड की तरह बात कर रहा है यार, लगता है ये लोग निकलने वाले हैं। ए, कोई जल्दी फैसला करो। भाई यही नजदीक में एक चर्च है। जी सर। वहाँ के फादर से हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग चलें क्या? आइडिया अच्छा है, चलो चर्च जाके वहाँ से फादर को बुला लेते हैं। चलो चलो जल्दी। तुम लोग कहाँ आ रहे हो? रिया यहीं पर है, तुम सब लोग यहीं पर हो, मैं जाकर आता हूँ। तू ये क्या बोल रहा है, तू हम लोग को फंसा के जा रहा है? हम लोग यहाँ नहीं रुकने वाले। इनको देख लेना, मैं जाके आता हूँ। प्लीज क्या देख रही है सतीश, कुछ कर रहा है? मैं जाना, मैं आ रहा हूँ। सतीश यार क्या हो रहा है यार, हम चलते हैं यार, चलो बात को समझ रहे हैं हम भी। हे सतीश सुन ना, अरे यार उनको रोक ना, अरे चलते उनके साथ। अरे यार वो फादर आमें। नमस्ते। नमस्ते फादर। नमस्ते, बोलिए। आपसे एक मदद चाहिए फादर। मदद चाहिए? आप लोग कौन है मैं जान सकता हूं? फादर हम तीनों सब हुआ फादर। वो आत्मा लड़की के शरीर में है और वो स्कूल में बैठी है। हाँ फादर, आपको कैसे भी करके उस भूत को भगाना होगा, हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कल रजिस्ट्रेशन भी कराना है फादर। सॉरी, देखिए मुझे तंत्र विद्या या ऐसी कोई विद्या नहीं आती, मैं वहां जाकर आपके लिए भूत नहीं भगा सकता। फादर आप पे भरोसा करके आए हैं, अगर आप कुछ रास्ता बताए तो अच्छा रहेगा। हाँ फादर, प्लीज फादर, अगर आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं फादर। एक मिनट, ये वेटिकन सिटी से आया हुआ होली वाटर है। ये होली वाटर बहुत पवित्र होता है, बहुत पावरफुल होता है। इस होली वाटर को अगर उस आदमी के ऊपर डालेंगे जिसे भूत पकड़ा हुआ है, तो इसके प्रभाव से उसके अंदर जो भी शैतान है उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और वो वहां से चला जाएगा।
लेकिन वो उस जगह से चला जाएगा ये नहीं कह सकता। लेकिन वो शैतान उस व्यक्ति के ऊपर किस वजह से है अगर हम ये नहीं जानेंगे तो उसे हमेशा के लिए नहीं भगा सकते। हो सकता है कि वो आत्मा आपसे कुछ डिमांड करे, इसलिए आप इस होली वाटर के साथ इस बाइबल को भी साथ में रखिएगा। ये सब आप लोगों की सुरक्षा करेगा। हाँ प्लीज। थैंक यू फादर। गया था तो क्या हुआ? चर्च के फादर ने होली वाटर और बाइबल देकर भेजा है। अगर भूत को भगाना है तो उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। क्या इच्छा पूरी करनी पड़ेगी? हाँ, उस भूत की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। हे, उसकी इच्छा हम कैसे पूरी कर सकते हैं यार? सच में और कोई रास्ता नहीं है, उस भूत को भगाना ही होगा। लेकिन कैसे भूत को भगाना होगा? चलो चलते हैं। फिर से अंदर जा रहे हैं यार। ए, आओ ना यार, चलो। हाँ आ गया, चलो जल्दी। चलो ना यार, चल। हमें बचा ले। भाई क्या हुआ? भाई नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। अरे कहाँ चले गए? तो पीछे आ रहे थे, अचानक गायब हो गए। अरे क्या बात कर रहे हैं, साथ में तो आ रहे थे, इधर ही घूम रहे होंगे। देख चल देखते हैं। भाई भाई इतनी जल्दी? अरे वो आ जाएंगे यार, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, इस आदमी के साथ नहीं रह सकता। महेश, महेश! भाई, भाई, भाई क्या हुआ? भाई, सर, भाई, सर, भाई क्या हुआ? कौन था भाई? यही वो है। क्या हुआ? सर, सर, इसके बाद यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, पहले आप निकलिए, चलिए जल्दी निकलिए। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। चलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने जो बोला वो सुनिए, पहले हॉस्पिटल जाइए, चलिए जाइए जल्दी जल्दी जाइए। भाई नहीं, मैं भी आता हूँ, मैटर सॉर्ट आउट करके आता हूँ, आप रजिस्ट्रेशन करके आइए, जाइए जाइए, मुरली ले जाइए। ठीक है ठीक है, चलिए भाई। भाई उस लड़की को बचाने के लिए वो लोग सब कुछ करेंगे, आप हॉस्पिटल चलिए। सतीश, कुमार, कुमार, मेकअप दो। सतीश, सतीश, ए सतीश, ए यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो उठो वहां से। ए तुम भजन रहे, ए बोला क्या हुआ? अरे जोर से क्यों बोल रहा है यार? तू जा, तू जा। अरे तू चला जा यार, तू चला जा, चला जा, चला जा। जल्दी जल्दी। ले पड़ी इसको, पड़ी इसको। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट यार।
ये सब क्या लिखा है? कैसे भगाना होगा, कैसे बोलना? हे ऊपर वाले परमपिता, हमें बुरी शक्तियों से दूर करो, हमारी रक्षा करो, बुरी आत्माओं को यहाँ से दूर भगो। किताब को पढ़ तो रहा हूँ यार, रुकना। आपको पढ़ना यार। हाँ, पढ़ रहा हूँ मैं। सारे भूत पिशाच हैं, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा यार। देखा ना, इसके सारे हमने लोगों को बेवकूफ बनाया, आज हमें इस जरूरत पड़ी। अरे तू बोल मत यार, पढ़ता रहे चुपचाप, पढ़ता रहे। करने वालों की आत्मा मुझ में है, अच्छे से प्रार्थना को पढ़ो, मुझे अच्छे के लिए तैयार कर, हृदय हिलाने वालों के लिए अच्छे लेकर, आपकी नजर हमारे साथ है। पढ़ता हूँ नष्ट होने वाले को ठीक कर, होने वाले को ऊपर भेज, नष्ट होने वाले को ठीक कर, अच्छा करने वाले की आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मेरी रक्षा कर। पढ़ता रहे पवित्र आत्मा, पढ़ता रहे ना। पढ़ना यार पढ़ना, मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ 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 पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ। करने वाले की आत्मा मुझे बचाएगी, पवित्र आत्मा मुझे बचाएगी करने वाले की आत्मा मुझे बचाएगी, रक्षा करेगी। अरे यार तू पढ़ता रहना, मुझे पानी जा रहा है यार। तू काम कर, पढ़ता कौन है तू, तुझे क्या चाहिए तुझे? बोल कौन है तू? अरे यार मंत्र पढ़, मुझे बचाएगी पवित्र आत्मा, मेरे साथ है पवित्र आत्मा। देख ना, करने वाले की आत्मा, मेरी की आत्मा बचाएगी। अबे पढ़ना, करने वाले की आत्मा मुझे बचाएगी, पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा रक्षा करेगी, पवित्र आत्मा मुझकी रक्षा करेगी, पवित्र आत्मा पढ़ता रहे मुक्त करेगी। पूछना कौन है वो, पूछना कौन है, पूछना। ए कौन है तू, क्या चाहिए तुझे, कौन है? पूरा फेंक दे उस पे। ए मैं पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुझे? पूछ ले यार, पूछ ले। ए तुझसे ही पूछ रहा हूँ। ए जवाब क्यों नहीं देती, क्या चाहिए तुझे? बचपन से ही मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, मैं टीचर बनना चाहती थी, बस यही एक सपना था, और वो भी मैथ्स टीचर बनना था। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था, मैथ्स ही मेरी दुनिया थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। रोज मैं बस यही सोचती कि क्या करूं, ना मैं खाती थी, ना पीती थी, ना मैं सो पाती थी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, अपनी एक काल्पनिक क्लास चलाने लगी, तभी मुझे हिचकी की तकलीफ शुरू हो गई। कुछ सालों बाद मुझे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिला, बहुत मुश्किल से मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, मुझे टीचर की एक नौकरी भी मिली,
लेकिन मेरी पहली क्लास में ही मेरी हिचकी ने मेरी जान ले ली। उसके बाद फंड्स ना होने की वजह से स्कूल बंद हो गया और फिर आज तक मेरा मैथ सिखाने का सपना अधूरा ही है, इसलिए मैं आज तक यहाँ हूँ। So sad. ये तो बहुत ही बुरा हुआ, कितना गंदा फ्लैशबैक था, हिचकी हो गई यार। So हिचकी इज द प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं। हाँ। ए, चल उठ रहे, ऊपर लदा पड़ा है भाई। अगर हिचकी रुक जाएगी तो भूत अपने आप चला जाएगा, अब हिचकी कैसे रुकेगी इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। भाई हिचकी आते समय इसे शॉक देंगे तो हिचकी चली जाएगी। मैं जाकर उसे डरा दूं क्या? किसको? भूत को? अरे भूत को रे। फॉर्मूला जो अपने पास है तो इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो यार? अभी देखो तुम, ये पागल हो गया क्या? बचपन में हम लोग भी ऐसे पेपर फाड़ के उड़ाया करते थे यार। हाँ? इधर देख ना, पानी नहीं मिला इसलिए हिचकी आके मर गई ना बेचारी भूत। देख जैसे स्कूल में बच्चे पानी ले जाया करते थे ना, वैसे मैं लेके आया हूँ। अरे पानी की क्या कमी है मेरे पास। ले चल सर उठा, घूर क्या रही है, पानी नहीं पीना क्या? हाँ? पीले 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 पानी पिएगी तो हिचकी से बच जाएगी। लगता है सादा पानी नहीं पिएगी, कुछ मिलाकर पिला दिया जाए क्या? मुझे पानी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। यार पानी पिला रहे तो कैसे घुर्रा रही है? तुझे और क्या चाहिए? मैथ्स चाहिए मुझे। उसके लिए क्या चाहिए? मुझे मैथ्स पढ़ाना है। क्या क्या मैथ्स पढ़ाना है तुमको? मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाना चाहती हूँ। टीचर मुझे तो बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, मुझे छोड़ दो। ये क्या है, मेरे चारों तरफ मैथ घूम रहा है? हाँ? मुझे तो पागल ही कर दिया मैथ ने। मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुझसे नहीं हो रहा, उधर तो देख जरा, उससे भी नहीं हो रहा। कैसे मिटा रही है, उसका अधूरा सपना अधूरा ही रह गया है यार। मैं तो मैथ से पहले ही वीक हूँ टीचर, मुझे छोड़ दो ना। मैं तुम सबको मैथ सिखा रही हूँ ना, ध्यान से पढ़ो, मैं तुम्हें सब सिखा दूँ। टीचर, टीचर। अरे ऐसी कैसी बेहोश होगी टीचर? चेयरमैन साहब ने हम लोगों के साथ एक प्लान बनाया था। उन्होंने पुराने स्कूल खरीदा, तोड़ा और रिजॉर्ट बनाना शुरू कर दिया। प्रिया को भूत ने पकड़ा था या नहीं कुछ भी पता नहीं। हीरोइन बनने के पहले भी वो फिल्मों में भूत का ही रोल किया करती थी और जनार्दन शर्मा भूत के मेकअप के लिए बहुत फेमस थे।
पैसों के लिए कभी कभी वो अपने इस आर्ट का इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर देते थे। उनके साथ आज भी वही है, अगर उनको पैसा दे दिया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माला माल आजा साथ मेरे यार, कुछ कुछ जोन सा करे,